नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल में। दोस्तों आज के सेशन में हम बताएंगे YT स्टूडियो की मदद से आप थंबनेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में YouTube में थंबनेल्स को अपडेट करना काफ़ी क्रिटिकल हुआ है क्रोम में। तो आज के सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप क्रोम में ही ना जाकर अपने YT स्टूडियो से भी थंबनेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक वीडियो ले रहे हैं, इसकी थंबनेल्स जो कि अभी लगी हुई है उसको हम चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। देखते रहिए मैं कहाँ कहाँ टिक कर रहा हूँ, कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर हम कस्टम थंबनेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हम अपने मोबाइल में स्टोरेज में आ जाएंगे और वहाँ से कोई पर्टिकुलर जो थंबनेल्स हमने बनाया है वीडियो के लिए, वो थंबनेल्स को देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे ही थंबनेल्स यहाँ दिखाई दे रहा है, हमको सेलेक्ट ऑप्शन पर जाना है। जैसे ऊपर में क्लिक किए, सेलेक्ट करते ही थंबनेल्स हमारा वीडियो पर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमको सेव कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो थंबनेल्स है यहाँ पर सेव हो गया है। हम इसको बैक करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। आप इसको रिफ्रेश कीजिए एक बार। जैसे ही रिफ्रेश कीजिएगा, देखिए जो हमने पिक्चर चूज़ की थी वो थंबनेल्स में दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको फिर से चेंज करते हैं, जो मेरा पहले का थंबनेल्स था मैं उसको वापस कर दूँगा। देखिए यहाँ से एडिट किए, एडिट करने के बाद फिर से हम एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर एडिट करेंगे, क्लिक किए। अब हमारा जो पहले का थंबनेल्स था उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए चेंज ऑप्शन है, और भी चेंज कर सकते हैं आप थंबनेल्स, लेकिन हम पहले जैसे थंबनेल्स था वही हम अपना करना चाहेंगे। हमने सेलेक्ट किया, इस थंबनेल्स को हमको लाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप बहुत सारा चीज एडिट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह टैक्स वगैरह सब लिख सकते हैं YT स्टूडियो की मदद से। और यहाँ पे फिर से हम आएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल में रिफ्रेश करेंगे तो मेरा पहले वाला थंबनेल जो था वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये था YT स्टूडियो की मदद से थंबनेल्स को अपडेट करना। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और जो दोस्त इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।